भारत माता की जय। आप सोच रहे होंगे कि भारत माता की जय आज मैं क्यों बोल रहा हूं। ना ही आज 15 अगस्त है, ना ही 26 जनवरी है, ना ही ऐसा कोई मौका है कि स्टूडियो में बैठकर भारत माता की जय कहा जा रहा है। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं, भारत माता की जय कहने पे मुकदमा कायम हो गया। 153A का मुकदमा कायम हुआ, जिसमें ये कहा जाता है कि दंगा भड़काने का। अब सोचिए, भारत में रहते हुए अगर भारत माता की जय नहीं अगर कोई बोल सकता है, तो इससे बड़ी और चीज क्या हो सकती है? क्या भारत में रह के भारत माता की जय नहीं कहा जा सकता? मामला है कर्नाटका का, और कर्नाटक में भारत माता की जय बोलने पर कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया गया। मामला था प्रधानमंत्री का, जब शपथ था उसके बाद में कुछ लोग वापस जा रहे थे, कहीं वो देख रहे थे शपथ ग्रहण को, और उसके बाद में वापस जा रहे थे, और वापस जाते समय उन पर जब उन लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए, तो उस पर एक ग्रुप ने हमला कर दिया और दो लोगों को चाकू भी मारा गया। ये भारत की बात है, ये कोई मैं बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूं, ये भारत की बात है। और यहां चाकू मारा गया और उन्हीं के खिलाफ मुकदमा भी कायम कर दिया गया। पहले तो जो एक्यूज्ड थे उन लोगों ने चाकू भी मारा, और उसके बाद में कहा कि इधर आना भी नहीं है। एक 25 लोगों का ग्रुप था जो भारत माता की जय के नारे लगाते हुए एक मस्जिद के पास से गुजर रहा था, कर्नाटका का मामला है। और वहां जैसे ही लोगों ने सुना कि भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नारे लगाए जा रहे हैं, उसके बाद में लोगों ने हमला कर दिया। मामला पहुंचा फिर पुलिस में, और पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया। लेकिन उसके अगले ही दिन आप सोचिए कि फिर एक क्रॉस एफआईआर होती है, और जिसमें 153A का हवाला दिया जाता है, और 153A ये कि दंगा भड़काने की कोशिश। अब सोचिए, भारत माता की जय का नारा लगाने पर दंगा भड़काने की कोशिश का मुकदमा कायम कर दिया जाता है। लेकिन जब ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंचता है, तो कर्नाटक हाई कोर्ट कहता है कि भारत माता की जय लगाने के नारे लगाने से कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं होता है कि जिससे कोई एक आपसी सद्भाव बिगड़े, और उस केस को निरस्त कर दिया गया। लेकिन आप ये सोचिए कि आज भारत में ये स्थिति है कि भारत माता की जय के नारे लगाने पर मुकदमा कायम कर दिया जाता है। लेकिन हम ये आइए जानते हैं कि 153A होता क्या है। 153A में ये है, जो जिस केस में ये केस फाइल किया गया था, जिन धाराओं में ये केस फाइल किया गया था, उसमें ये है कि अगर आप किसी दूसरे रिलीजन के बारे में बोल रहे हैं, कहीं कोई ऐसी चीजें बोल रहे हैं जिससे एक धार्मिक सद्भाव बिगड़ता है, वहां ये लागू होता है। लेकिन भारत माता की जय लगाने पे मुकदमा कायम कर देना, ये तो कानून तो गलत है ही, लेकिन समाज कहाँ जा रहा है यह भी देखने की जरूरत है कि भारत में रह के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत माता की जय के नारे सुन नहीं सकते हैं। हम जिस केस की बात कर रहे हैं, ये सुरेशा वर्सेस अदर्स, ये कर्नाटका हाई कोर्ट का है। आप पूरा इस पे जाकर आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से सुनवाई हुई, केसेस में क्या क्या हुआ, और इसमें आरोप क्या क्या लगाए गए, कोर्ट ने क्या क्या कहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए, और इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लेकर आपके सामने आते रहेंगे जो समाज के हित में हो। बहुत बहुत धन्यवाद।